fighter, singer, teacher, warrior, and what not. He is everything. His aura is eternal. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर साउथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकबस्टर कार्तिकेय 2 का 18 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और ऑडियंस का जिस तरह के रिस्पांस रहा है। अभी तक वर्ड ऑफ माउथ बोल रहा है, पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। रिसेंटली जो हीरो हैं वो आके जो है दिल्ली में प्रमोशन करके गए थे और निखिल सिद्धार्थ सबको थैंक यू बोल रहे थे, साथ में अनुपम भी आए हुए थे, पूरे स्टारकास्ट के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब दिल्ली आए हुए थे, बहुत सारे लोगों को जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी हिंदी नेट कलेक्शन की और इंडिया नेट कलेक्शन की, 18 दिन का इन्होंने जो कमाया है वो 1.60 करोड़ जो है इंडिया नेट कमाया है और 65 लाख का हिंदी कलेक्शन करके दिखा दिया है। अब साथ ही साथ अगर बात करूँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो 105 करोड़ का इसने टोटल कलेक्शन करके दिखा दिया है। तो 25 करोड़ इसने अकेला जो है 18 दिन में कलेक्शन किया है हिंदी वर्जन में। इस फिल्म के बजट के हिसाब से लगभग 36 करोड़ का जो है कलेक्शन का प्रॉफिट हुआ है, पूरा नेट प्रॉफिट है वो मेकर्स का। और कार्तिकेय 3 जो है किस तरह का धमाका करेगा वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 15 करोड़ का फिल्म था और 105 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। जितने भी ग्रॉस कलेक्शन या फिर जो भी दूसरे कलेक्शन इसके आते हैं वो अलग अलग काउंट होते हैं और उनको माइनस करने के बाद मेकर्स के पास 36 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है नेट प्रॉफिट बचता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को जो है मुनाफा हुआ और इस तरह का कलेक्शन 25 करोड़ का हिंदी कलेक्शन अभी तक हो चुका है और वर्ल्ड वाइड 105 करोड़। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। चार्ली के बाद ये सेकेंड फिल्म है जो कि 15 करोड़ बजट में 105 करोड़ का जो है कलेक्शन करके दिखाया है। तो आपका कार्तिकेय के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।